अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन कुन्ना, वो भी चिन्यूटी स्टाइल में। और ये जो है, वैसे तो ख़ास तौर पे ये वहाँ पर चिन्यूट में जो बनाया जाता है वो मटके में बनाते हैं, और यहाँ पर भी जो बनाते हैं हमारे यहाँ भी वो मिट्टी के जो मटके हैं उन्हीं में बनाया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है मेरे पास मटका नहीं था, तो मैंने मिट्टी की हांडी में बनाया है, और यकीन करें वैसा ही ज़ायका आएगा जैसे आपने मटके में बनाया हो। और बहुत ही कम मसालों के साथ बनाएंगे हम, बहुत सादे तरीके से, और बहुत ही मज़ेदार डिश बनेगी ये। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले गोश्त चाहिए मटन, जो कि मैंने 300 ग्राम्स लिया था। और मैंने प्याज ली है 2 दरमियानी, और नमक दिया है तकरीबन 1 चाय का चम्मच, या आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह खाते हो। हल्दी ली है मैंने 1/2 चम्मच, और धनिया पाउडर लिया था 2 चाय के चम्मच। लाल मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून है, और देगी मिर्च है 1 टीस्पून। ये लाल मिर्चें भी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं जिस तरह आपके यहाँ खाया जाता है। बिल्कुल हमारे यहाँ मीडियम खाया जाता है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना कम, तो मैं उसी हिसाब से डालती हूँ। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 1/2 कप के करीब ही ऑयल लिया है, तो उसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट या लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी अपनी प्याज जो मैंने स्लाइसेस में काट के रखी हुई थी वो उसमें ऐड कर ली है, और इसको मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाऊंगी, बस यहाँ तक कि मेरी प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट सी हो जाए, कोई मुझे उसे कलर वगैरह नहीं देना है। इसके बाद मैंने इसमें तमाम मसाले डालने शुरू कर दिए। हल्दी और नमक डाल दिया है, पिसी हुई लाल मिर्च आ गई है इसमें, धनिया और कश्मीरी मिर्च आ गई है इसमें, और मैंने इसको 1-2 चम्मच पानी डाला है ताकि मेरा मसाला जले नहीं। साथ ही मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छी तरह भुनाई कर ली है मैंने इसको, और इसके बाद मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया अपना। अब मैं गोश्त के साथ भी इन मसालों को थोड़ी सा भूनूंगी ताकि इसमें इसका कच्चापन भी दूर हो जाए, और जो स्मेल गोश्त की आती है वो भी इसमें ख़त्म हो जाए। चार से 5 मिनट मैंने गोश्त के साथ भूना है इसको। जब ये अच्छी तरह भुन गया गोश्त के साथ, तो मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी जो है वो डाला था, और इसको मैंने ढक कर पकने के लिए जो है वो रख दिया था तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। हल्की आंच पे रखिएगा ताकि ये पानी जो है इसी पानी में पकता रहे। ये तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, और मैंने आके देखा है, और ये देखिए इसकी शक्ल कुछ इस तरह हो गई है। अब मैं आपको दिखा दूं कि इसकी बोटियों की जो है वो शक्ल किस तरह की हो गई है, वो देख लीजिए कि ये तकरीबन 90% गोश्त जो है अच्छी तरह गल चुका है। ये थोड़ी सी मामूली सी कसर रह गई है, वो आगे अभी हम इसको पकाएंगे तो वो कसर भी पूरी हो जाएगी। तकरीबन 90% ये गल चुका है। इसको पकने देना है इसी तरह। इसको बस मैंने चेक किया है और दोबारा ढक के रख दिया था। अब मैं दूसरा स्टेप इसका करूँगी, वो ये कि मैंने तकरीबन 8 से 9 बादाम लिए थे जिनका छिलका उतार लिया है, और यहाँ पे 4 चमचे मैंने गंदम का आटा लिया है। इसको मैं साथ में गंदम के आटे के साथ ही बादाम को भी मैंने ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडर में। और अब मैं आ गई हूँ दोबारा अपनी हांडी की तरफ,
और इसके अंदर मैं ये आटे को शामिल करूँगी। आटे और बादाम के पेस्ट को मैं इसको मैं शामिल करूँगी। देखिए मैं आहिस्ते आहिस्ते इसको शामिल कर रही हूँ और चमचा चलाती जा रही हूँ। अच्छा, इसमें मैं चार मसाले ऊपर से आखिर में डालूंगी, वो ये हैं काला ज़ीरा इसका ख़ास है, और इसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया है, जायफल है 1/4 टीस्पून, जावित्री है और पिसा हुआ गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, ये मैं ऊपर से इसके डाल दूंगी। सारे मसाले डाल के मैंने इसको चमचा चलाया मैंने, और इसको मैं ढक के अभी तकरीबन आधे घंटे और मैं पकाऊंगी इसे। ये आधा घंटा इसका गुजर चुका है, इसकी शक्ल कुछ इस तरह आ गई है। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी अदरक शामिल की है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, वैसे इसमें कुछ भी नहीं डलता क्योंकि इसके साथ जो है ना हरा धनिया डलता है ना हरी मिर्चें डलती हैं, तो लेकिन मैंने जायके के लिए थोड़ा सा अदरक बारीक काट के और हरी मिर्चें शामिल की थी। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए किस तरह की है। ये देखिए हल्की हल्की गाढ़ी है, ये नहारी नहीं होती, इसका जो है टेक्सचर इस तरह का होता है। ये मैंने मिट्टी की ही छोटी, मेरे पास एक डिश थी हांडी जो कि छोटी हांडी थी, इस पर मैंने इसको निकाल लिया है और ये हमारी हांडी जो है बिल्कुल तैयार है। ज़रूर बनाइएगा इसको, और इसका टोटल प्रोसेस तकरीबन 2 घंटे का है, और ये बहुत ही अच्छा गल गया था गोश्त, और इसमें क्योंकि मैंने रान का गोश्त लिया था, इसमें नलियाँ और पाइक की वजह से उसका जायका जो है बहुत मज़ेदार था। तो इसको आप चाहें तंदूरी रोटी के साथ चाहें खाना चाहें या शरमाल के साथ खाएं, ये आपके ऊपर है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।